गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ आर्ट मटेरियल बुलवाए थे जो कि आ चुके हैं, तो आज अपन उनको अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले अपने पास टॉम्बो की मोनोग्राफ मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आउटलाइनिंग करने में, डिटेल्स देने में। इसके बाद है मेकअप ब्रश। मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ शेडिंग के लिए, वो है मेकअप ब्रश कंपेयर टू पेपर स्टम्प्स, क्योंकि ये स्मूथ शेडिंग देता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक मेकअप ब्रश सेट लीजिए उसमें और यूज़ करिए। इसके बाद है सॉफ्ट पेंसिल चारकोल की, कैमलिन की। इसका मेरे पास पूरा बॉक्स बुलवाया था मैंने, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ हेयर्स के लिए। मुझे ग्रेफाइट से ज़्यादा हेयर्स के लिए चारकोल पसंद है, सो आई यूज़ चारकोल फॉर दैट। मैंने इस बार कुछ अलग ट्राई करने के लिए इंडेंटिंग टूल्स बुलवाए थे जो कि हेयर्स में अपन हाईलाइट देते हैं। ये पूरा वीडियो बताऊंगा कि कैसे इंडेंटिंग टूल्स यूज़ करे जाते हैं एंड कैसा इफ़ेक्ट आता है इंडेंटिंग टूल्स का। उसके बाद है टॉम्बो की मोनो प्लास्टिक इरेजर। इसके बाद है एक मेटल शॉर्पनर। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी नीडेड इरेजर की। ये बेस्ट इरेजर रहती है क्योंकि अपन इसको जैसा चाहे वैसा अपन मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में कर सकते हैं। बेस्ट इरेजर रहती है। एक मैंने ब्रस्टो की बुलवाई थी एंड एक फेवर कैसल की थी। इसके बाद है एक इलेक्ट्रिक इरेजर, ये है मोंटमार्टे की एंड अच्छी इरेजर है ये भी। इसके बाद है कुछ A5 साइज़ के टोंड पेपर, ये हैं ब्रस्टो के। ये मुझे कुछ अलग ट्राई करना था इसलिए मैंने बुलवाए हैं। इसके बाद है आइवरी सीट्स हैं A4 साइज़ की। इसके बाद कुछ A4 साइज़ के हैवी
वेट अल्ट्रा स्मूथ पेपर हैं ये, ब्रस्टो के ब्रिस्टल पेपर कहलाते हैं, 250 GSM है ये। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इन पर बहुत ही अच्छी शेडिंग होती है। इसके बाद है कुछ पेंसिल्स। मेरे पास पहले टॉम्बो की पेंसिल्स थी कुछ, एंड स्टेडलर की पेंसिल थी, तो मैंने कुछ अलग ट्राई करने के लिए डर्वेंट की पेंसिल बुलवाई हैं, और जो कि स्टेडलर की पेंसिल भी बुलवाई है, जो सबसे ज़्यादा मेरी यूज़ होती हैं वो पेंसिल्स मैंने बुलवाई हैं। एंड वाइट जेल पेन जो कि हाईलाइट के लिए बेस्ट रहता है वो बुलवाए थे मैंने। के बाद सबसे ज़रूरी, अगर अपन ने स्केच बना लिया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ पेपर होल्डर बुलवाए थे शीट्स के लिए। ये A3 साइज़ का है एंड A4 साइज़ के हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा A3 एंड A4 पर काम करता हूँ, तो A4 एंड A3 के मैंने कुछ पेपर होल्डर बुलवाए थे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।